Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video, we were reading the chapter The Tippity the Flying Squirrel. ठीक है, और इसके first chapter first paragraph में हमने पढ़ा that why she called as flying squirrel. Second में हमने पढ़ा है कि जो Tippity है वो बहुत ही young age में, यानी कि जब वो born हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद में जो writer है वो उसको घर ले आया था, और वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड था क्योंकि उसका वो जो है रेड कोट, उसका जो फुल्ली, उसका जो चेस्ट है वो रेड कोट से, रेड हेयर उसके ग्रोन थे, और उसकी जो टेल है वो बहुत ही सुंदर थी. और अर्ली एज से ही उसे अपनी जो लवली टेल है उसको शो ऑफ करने का बड़ा ही ज़्यादा उत्साह रहता था. ठीक है, और सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक ये था कि जब मोस्ट ऑर्डिनरी पीपल सोते हैं तब ये जो स्क्विरल थी वो जागती थी. अब ड्रॉबैक तो ऑब्वियसली है क्योंकि अगर वो जागेगी तो ऑब्वियसली राइटर को भी सोने नहीं देगी. फिर हमने देखा कि Tippity का बेडरूम कैसा है. उसका जो बेडरूम है वो क्या है, दो पार्टीशन में है. फर्स्ट जो इनर वन है वो उसका बेडरूम है, और जो सेकंड जो उसका वहीं से एक डोर निकलता है जो उसका सिटिंग रूम है, लिविंग रूम कह लीजिए आप या फिर डाइनिंग एरिया भी कह लीजिए. और ये भी बताया है कि किस तरीके से वो जब जाग जाती थी तो वो उसके क्या साइंस होते थे. एक लो ग्रॉल होता था और वो ग्रेसफुली जो है अपने बॉक्स में जंप करने लग जाती थी, तो राइटर को पता चल जाता था कि वो जाग गई है. शी वुड मेक हर वे टू द नियरेस्ट टेबल. जागने के बाद में वो जो है पास ही में पड़ी हुई जो टेबल है वहाँ पर बैठ जाती थी. एंड देयर इंडल्ज इन अ ट्रेमेंडस स्ट्रेच, और फिर वहाँ पर जो है वो अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करती थी. स्ट्रेच मतलब समझ गए आप, जैसे हम तरह अंगड़ाइयाँ लेती हैं वैसे वो पूरा स्ट्रेच करती थी. एक्सटेंडिंग हर फोर लेग्स टू द फुल इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर हाइंड लेग्स एज फार एज दे कुड गो बिहाइंड हर. और जो उसके आगे के दो पैर होते थे वो पूरे आगे की तरफ फैला लेती थी, और जो पीछे के पैर थे वो जितनी दूर उसकी बॉडी से जा सकते थे, यानी कि पूरा उसको खुल के स्ट्रेच करती थी अपनी बॉडी को. हर हेड वुड फर्स्ट रेस्ट ऑन द राइट फोर फुट. पहले तो उसका जो हेड है वो जो राइट फोर फुट है उसका आगे का सबसे आगे वाले जो दो पैर होते हैं वहाँ पर रेस्ट करता था. देन ऑन द लेफ्ट, और फिर लेफ्ट की तरफ रेस्ट करता था. हर टेल मेकिंग सर्कल्स इन द एयर इन द मीन टाइम, और जिस टाइम पे वो स्ट्रेचिंग वाला काम चल रहा होता था उसकी जो टेल थी वो सर्कल वे में घूमती रहती थी. आफ्टर हर स्ट्रेच वुड कम हर टॉयलेट. स्ट्रेचिंग के बाद में टॉयलेट का नंबर आता था. आफ्टर विच शी वॉज मोस्ट पर्टिकुलर, और राइटर कहता है कि इस बारे में वो बहुत ही पर्टिकुलर थी. Tippity would sit erect and carefully get to work with both her little hands. Tippity जो है वो एकदम सीधे बैठ जाती थी, और फिर carefully जो है वो अपना टॉयलेट वगैरह का काम करती थी. और इस टाइम पे वो carefully बहुत ज़्यादा अपने जो छोटे छोटे hands थे, जो four hands हैं उसके, उससे वो अपना सारा काम करती थी. Beginning with the tip of her nose, she would gradually work on the whole of her face and head. उसके जो आगे के जो छोटे वाले हैंड्स रहते थे सबसे पहले वो अपनी नोज़ को क्लीन करती थी. आफ्टर दैट वो धीरे धीरे अपने होल फेस को और अपनी हेड को भी क्लीन करती थी. द टेल वुड बी हर लास्ट, और फिर इसी तरीके से अपनी पूरी बॉडी को अपने छोटे छोटे हाथों से क्लीन करते हुए वो अपनी टेंथ तक आती थी जो कि लास्ट होता था. बट बाई नो मीन्स हर लीस्ट, लेकिन किसी भी तरीके से लीस्ट नहीं होता था, यानी कि आगे भी उसका काम चल रहा होता था. ठीक है, हर टॉयलेट फिनिश्ड, और अपनी अब ऑब्वियसली बात है कि सेकंड पैराग्राफ में भी बताया है कि उसको अपनी टेल से बहुत प्यार था, तो ऑब्वियसली वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी. हर टॉयलेट फिनिश्ड, और जब उसका टॉयलेट वो फिनिश हो जाता था Tippity would have a look around, तो वो क्या करती थी अपने आसपास देखती थी. टेक वन जंप ऑफ द टेबल, और फिर उस टेबल से कूदती थी. एंड ड्रेस अप द नियरेस्ट कर्टन टू द पोल अबाउट, और फिर उस टेबल के पास में जो नियरेस्ट कर्टन होता था उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से वो जो है पोल के ऊपर चढ़ जाती थी. देयर शी वुड सिट, और फिर उस पोल पर बैठी रहती थी. हर टेल कॉइल्ड अराउंड हर नेक एंड दोज ग्रेट बिग ब्लैक आईज ऑफ हर्स लुकिंग सो मेनी डाउन. और इस टाइम पे उसकी टेल जो है वो उसकी कॉइल्ड अराउंड हर नेक, उसकी नेक के आसपास में जो है वो जैसे सर्कल में रहता है वैसे रहती थी.
those great big black eyes, और उसकी जो काली जो दो बड़ी बड़ी आँखें थी वो क्या करती थी, चुपचाप सोलमनी यानी बिना कोई शोर के नीचे की तरफ देखती रहती थी. एंड सूनर और लेट शी वुड लीव राइट अक्रॉस द रूम ऑन टू माई शोल्डर. और थोड़ी ही देर बाद में या तो वो थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रहती थी चुपचाप, या फिर वो जल्दी ही क्या करती थी, लीव राइट अक्रॉस द रूम ऑन द ऑन टू माई शोल्डर, और फिर सीधा कहाँ पहुँचती थी, मेरे शोल्डर के पास में. डॉन अ फील्ड स्पैनियल एंड ब्रुक अ लार्ज शैगी टिबेटन शेप डॉग्स वर टिपिटीज बेस्ट फ्रेंड. डॉन अ फील्ड स्पैनियल और ब्रुक और लार्ज डॉन जो है, जो कि फील्ड स्पैनियल जो स्पीसीज है उसका नाम बताया है, और शैगी टिबेटन शेप डॉग जो है वो भी उनकी जो स्पेसीज हैं उनका बताया गया है. तो नाम है डॉन और ब्रुक, जो दो डॉग थे वो टिपिटी के बेस्ट फ्रेंड थे. ब्रॉक्स ग्रेट बुशी टेल अफोर्ड टिपिटी मच अम्यूजमेंट. अब ब्रॉक जो है वो शैगी टिबेटन शेप डॉग है, शेप डॉग का आ गया है यानी कि शेप के जैसे एकदम बड़े बड़े उसके हेयर्स होते हैं, तो बुशी जो टेल है उसकी ब्रॉक की वो उसको टिपिटी को बहुत अम्यूजिंग लगती थी, एज वेल एज शेल्टर इन टाइम ऑफ डेंजर. और जब टाइम ऑफ डेंजर यानी जब वो डर जाती थी, घबरा जाती थी, तो शेल्टर कहाँ पे लेती थी, शेल्टर वो लेती थी ब्रॉक का जो टेल है वहाँ पर. फॉर टिपिटी न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम फोर एंड द अप्रोच ऑफ अ स्ट्रेंज वॉज द सिग्नल फॉर हर टू मेक यूज ऑफ ब्रॉक्स टेल एज अ हाइडिंग प्लेस. क्योंकि टिपिटी के लिए चाहे वो कोई दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, जब भी कोई नया स्ट्रेंजर आता था तो वो क्या करती थी, सिग्नल करती थी और ब्रॉक की टेल में उसने अपना हाइडिंग प्लेस बना रखा था. और हर बिहेवियर, अब उसके बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.